राम हिंदुस्तान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी हिंदुस्तान के खास शो राम राम हिंदुस्तान। आप इस वक्त देख रहे हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के लिए मैं यहाँ मुंबई से आपके साथ लाइव जुड़ी हुई हूँ और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रिया, पूजा और मीनाक्षी भी जुड़ेंगी। जो सबसे पहली खबर है वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहली खबर आज की मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी से जुड़ी हुई है। लगातार जो टसल नवनीत राणा और शिव सैनिकों के बीच दिखाई दे रही थी उसका क्लाइमैक्स किरीट सोमैया के साथ मारपीट और पत्थरबाजी के रूप में कल दिखाई दिया है। आज बड़ी चुनौती का सामना उद्धव ठाकरे सरकार को भी करना है क्योंकि एक साथ कई फ्रंट पर आज उन्हें लड़ना है। क्या पूरी अपडेट है आपको मुंबई से मैं आगे बताती रहूंगी। किरीट सोमैया के ऊपर कल हमला उस वक्त हुआ था जब वो यही खार थाने जाए इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये पीछे आप तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पहुंचे थे राणा दंपति से मिलने के लिए। उसी वक्त शिव सैनिकों की तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया था और किरीट सोमैया के चेहरे के ऊपर चोट भी आई। वो हर तस्वीर कल हमने आपको दिखाई थी लेकिन आज की ताजा अपडेट क्या है वो भी आपके सामने होगी। और चलिए फटाफट बिना देर किए मैं रुख कर लेती हूँ मेरी सहयोगी पूजा का जो दूसरी बड़ी खबर आज की आपको बताएंगी। पूजा, राम राम। राम राम शालिनी और तमाम दर्शक जो इस वक्त जी हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और राम राम हिंदुस्तान देख रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं राम राम हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी खबर। हनुमान चालीसा विवाद से जुड़ी हुई हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर है। शिवसेना की शिकायत के बाद राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के बांद्रा कोर्ट में आज राणा दंपति को पेश किया जाएगा। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। और आइए अब मैं तीसरी खबर के लिए सीधा रुख करूं मेरी सहयोगी प्रिया सोमवंशी का। प्रिया, राम राम। राम राम पूजा, राम राम शालिनी, राम राम मीनाक्षी और राम राम हिंदुस्तान में आज की जो तीसरी बड़ी खबर है उसकी बात कर लेते हैं। यूपी में योगी राज का एक महीना पूरा होने वाला है। 30 दिन में यूपी में बाबा के बुलडोजर ने ताबड़तोड़ एक्शन किए हैं और इन 30 दिनों में माफियाओं गुंडों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि थाने में बदमाशों के सरेंडर करने की लाइनें लग रही हैं, वो कस्में खाने लगे हैं। अब राम राम हिंदुस्तान की चौथी कौन सी खबर है जानने के लिए मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले तो आपको राम राम। आपको भी राम राम प्रिया और हमारे तमाम दर्शकों को जो सुबह हमें देख रहे हैं उन्हें भी सुबह की राम राम। इसी के साथ आइए चौथी बड़ी खबर आपको बता दूं। चौथी बड़ी खबर जो है ये जहांगीरपुरी से जुड़ी हुई है जहां पर अब तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है जिसके लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें आपको बता दें 25 हिंदू और 25 मुस्लिम समाज के लोगों को शामिल होने की इजाजत है और एक बार फिर इलाके में अमन चैन और शांति लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये चौथी बड़ी खबर थी। इन तमाम खबरों का आज विश्लेषण करेंगे लेकिन आइए पहली बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं शालिनी का। बिल्कुल मीनाक्षी, मीनाक्षी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो बता दे दर्शकों को। आज सुबह की सबसे अहम खबर यह है कि किरीट सोमैया के ऊपर यही जहां खार थाने पे इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां कल हमला हुआ। यह बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई के खार थाने के बाहर किरीट सोमैया के ऊपर हमला किया गया। किरीट सोमैया के कार के ऊपर बोतलें फेंकी गई, पत्थर से हमला किया गया और हमले में किरीट सोमैया के चेहरे के ऊपर चोट भी पहुंची है। राणा दंपति से मिलने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे किरीट सोमैया और उसी वक्त शिव सैनिकों की तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया। ये बड़ी खबर, खार थाने पहुंचे थे किरीट सोमैया राणा दंपति से मिलने। हालांकि आपको बताएं कि अभी सांता क्रूज लॉकअप में रखा गया है खार दंपति को लेकिन बड़ी खबर यह है कि झगड़ा जो शिव सैनिकों और ये राणा दंपति के बीच दिखाई दिया था उसके क्लाइमैक्स के तौर पर कल रात हम कह सकते हैं कि जब किरीट सोमैया मिलने पहुंचे यहां पर राणा दंपति से तो उस वक्त शिव सैनिकों का गुस्सा पूरा किरीट सोमैया के ऊपर निकला। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता रही हूं। और चलिए राम राम हिंदुस्तान में अगली बड़ी खबर का आपको बता दें कि किस तरीके से शिव सैनिकों के हमले पर बोले हैं बीजेपी नेता किरीट सोमैया, मुझ पर उद्धव के गुंडों ने तीसरी बार जानलेवा हमला किया है। वाशिम पुणे के बाद अब खार में शिव सैनिकों ने हमला किया। पुलिस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का लगाया आरोप। सिर्फ एक पत्थर से हमले की रिपोर्ट पुलिस ने लिखी है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने सिर्फ एक पत्थर से हमले की रिपोर्ट लिखी है बल्कि उनके ऊपर कई लोगों ने हमला किया था। चलिए अगली बड़ी खबर जान लीजिए। किरीट सोमैया पर शिवसेना के हमले से बीजेपी भड़क गई है। किरीट पर हमले के विरोध में थाने पहुंचे बीजेपी के नेता। मुंबई के बांद्रा थाने के बाहर बीजेपी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया।
आपको बता दें देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव भी किया है। हमला करने वाले शिवसैनिकों की अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जब शिवसैनिकों ने किरीट सोमैया पर हमला किया उसके बाद किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे, थाने का घेराव किया, यहां नारेबाजी की। और इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ये मुख्यमंत्री ने ये माफिया देने के दरदार है सर। कहीं अजान बनाम हनुमान से शुरू हुआ घमासान इस हद तक पहुंच गया कि शिवसैनिकों ने कानून को ढिलौं डाला, गुंडागर्दी की इंतहा पार कर डाली और महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार से लेकर मुंबई पुलिस तक मूक दर्शक बनी रही। ये हमला बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुआ है। देखिए किस तरह से शिवसैनिक उनकी कार पर पथराव कर रहे हैं। इस हमले में किरीट की कार के शीशे चकनाचूर हो गए और उन्हें चेहरे पर भी चोट आ गई। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार को खुलेआम चुनौती दी थी, जिसके जवाब में शिवसेना ने हमला बोल दिया। हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में डालेंगे? ये उद्धव ठाकरे इनके रावण की लंका हम जला के रहेंगे, देखता हूँ ठाकरे सरकार में कितना दम है। किरीट सोमैया को खार थाने में पुलिस ने एक तो राणा दंपति से मिलने नहीं दिया और जब वो बाहर निकले तो शिवसैनिकों ने थाने के सामने ही उनकी कार पर हमला बोल दिया। बोतले और पत्थर फेंके जाने लगे, कार के शीशे टूटे, किरीट के चेहरे से खून भी बहने लगा। ये माफिया पुलिस ठाकरे के दबाव में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे ने तीसरी बार मेरी जान लेने का प्रयास किया है, पहले वासिम में, फिर पुणा में, आज खार में। इन माफिया सरकार को हम नहीं छोड़ेंगे। किरीट सोमैया पर हमले की खबर मिलते ही बांद्रा थाने पर बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता बांद्रा थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने FIR तो लिखी लेकिन सिर्फ एक पत्थर से हमला होने की रिपोर्ट बनाई, जिससे किरीट सोमैया भड़क उड़े। मेरी FIR लेनी रे, मैंने कहा था 70-80 लोगों ने हमला किया, अनेक पत्थर आए, लेकिन मेरे नाम से उद्धव ठाकरे और संजय पांडे ने एक फर्जी FIR दर्ज की, जिसमें लिखा है सिर्फ कहीं से एक पत्थर आया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से शुरू हुए विवाद में जिस तरह से किरीट सोमैया पर हमला हुआ उससे बीजेपी भड़क उठी है। पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर लिखा, मुंबई और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। गुंडों ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर पुलिस की मौजूदगी में खार थाने के बाहर हमला किया, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस स्टेशन के कैंपस में शिवसेना के कार्यकर्ता पत्थर उनके गाड़ी पर फेंक कर जख्मी करते हैं, क्या ये पुलिसों के सहायता से पुलिसों के समक्ष हिंसाचार करने का निर्णय किया है क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने? अभी तक जो मामला नवनीत राणा बनाम शिवसेना का था वो अब बीजेपी वर्सेज शिवसेना का हो गया है, मतलब संग्राम अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए हमारे सारे सहयोगी ग्राउंड पर बने हुए, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं शालिनी का, जो इस समय मुंबई में मौजूद है। शालिनी देखिए, पहले ये शिवसेना बनाम खास तौर पे नवनीत राणा था, लेकिन अब किरीट सोमैया पर हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि देखिए सीधे तौर पर बीजेपी बनाम शिवसेना हो गया और बीजेपी अब शिवसेना को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल, और देखिए अभी उसी खार थाने पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर किरीट सोमैया के ऊपर कल हमला किया गया था। किरीट सोमैया की गाड़ी यहीं पर आकर के रुकी थी जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ। ये मैं कहूँगी कि मेरे कैमरा पर्सन राजेश आपको ये सड़क दिखा, इधर से ही किरीट सोमैया की गाड़ी पहुँची थी यहाँ। जब वो आए तो ठीक ठाक थे, सही सलामत थे, अंदर खार थाने में पहुँचे और पहुँच करके दंपति के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, नवनीत राणा से उन्होंने मुलाकात की, रवि राणा से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जब वो निकल रहे थे उसके बाद यहाँ पर भारी हुजूम था शिवसैनिकों का और उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। किरीट सोमैया यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो मामले को हल्का करने के लिए पुलिस की तरफ से जो धाराएं लगाई गई हैं और यह कहा गया एक पत्थर आया। किरीट सोमैया की तरफ से यह कहा गया कि पुलिस ने रिपोर्ट में अपने लिखा है कि मात्र एक पत्थर आया, जबकि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और जानबूझ करके पुलिस की तरफ से मामले को हल्का करने के लिए FIR इस तरह की बनाई गई कि बहुत गंभीर धाराएं ना लगाई जा सके। हालांकि पुलिस यह कह रही है कि पूरे मामले की वो जांच करेंगे, तहकीकात करेंगे और शिवसैनिकों के ऊपर भी अभी कार्रवाई का
फिलहाल भरोसा पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। पर ये ठीक बात है सुमित, जैसा आप कह रहे थे कि जो जंग थी वो तो कल सुबह से शाम होते होते तक नवनीत राणा वर्सेस शिव सैनिक दिखाई दे रही थी, लेकिन वो जैसे शाम होती गई नवनीत राणा को यहाँ खाट थाने लेकर के पहुंची पुलिस, उसके बाद ये जो पूरी लड़ाई है वो ये बिल्कुल लड़ाई जो है लगातार अपडेट जो हिंदुस्तान आपके जरिए पहुंचाएगा कि आज किस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी होनी है राणा दंपति की। वापस आपके पास लौट रही हूं शालिनी। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दे, देखिए मुंबई में हनुमान चालीसा पर घमासान भी मचा हुआ है। सांसद नवनीत राणा को आज कोर्ट में पेश करेगी मुंबई पुलिस। नवनीत के विधायक पति रवि राणा की भी आज पेशी होगी मुंबई के बांद्रा कोर्ट में। राणा दंपति को पेश किया जाएगा। कल मुंबई के खार थाने की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। दरअसल हनुमान पास के विवाद के बाद देर शाम की गिरफ्तारी की गई थी। शिवसेना की शिकायत के बाद राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई थी। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था और मेरी सहयोगी शालिनी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी देखिए, कहा यह जा रहा है कि आज राणा दंपति की कोर्ट में पेशी की जाएगी, लेकिन उनके वकील ने कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है दोनों की, ये असंवैधानिक तरीके से हुई है। बिल्कुल ये ठीक बात है, और इसी के साथ मैं ये भी बताऊं कि देखिए स्पेशल हॉलीडे कोर्ट जो है वहां पर दोनों की पेशी की जाएगी, क्योंकि आज रविवार का दिन है, ऐसे में कोर्ट बंद रहता है, तो स्पेशल हॉलीडे कोर्ट में दोनों की पेशी की जाएगी। अच्छा, बार बार कल नवनीत राणा भी ये कह रही थी कि आपके पास अगर आप मेरी गिरफ्तारी के लिए आए हैं तो जो वारंट है वो दिखाइए, पुलिस वो नहीं दिखा पाई थी। और इस पूरे मामले में पेचीदगी ये भी है कि एक सांसद और विधायक की जब गिरफ्तारी होती है तो आपको स्पीकर से भी उसकी इजाजत लेनी होती है, और वो भी जो रूल है वो फॉलो नहीं किया गया है, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं बैकफुट पर अभी पुलिस दिखाई दे रही है। और अब ये देखिए मामला ना, कल सुबह आप देखिए नवनीत राणा बड़े अग्रेशन में दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो तो झुकने वाली नहीं है। दोपहर होते बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, देखिए शालिनी बिल्कुल कैसे बता रही है कि देखिए लगातार वहां पर ग्राउंड से रिपोर्ट भी कर रही है और ये भी बता रही है कि देखिए अब ये मामला लगातार सियासी होता जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सांसद नवनीत राणा को शिवसेना की खुली धमकी। नवनीत को शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने धमकी दी है। मातोश्री की तरफ देखा तो 20 फुट नीचे दफना देंगे राणा दंपति को। संजय राउत ने बंटी बबली भी कहा शिवसैनिकों, शिवसैनिक चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। संजय राउत ने ना सिर्फ धमकी दी है बल्कि यह भी कहा है कि शिवसैनिक भी चुप नहीं बैठेंगे, जवाब जरूर देंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सामना के जरिए शिवसेना का बीजेपी पर हमला। धार्मिक विवादों से देश को डुबाने की साजिश की जा रही है। लाउडस्पीकर विवाद देश को डुबाने की साजिश, यह सामना में कहा गया है। हनुमान जयंती लाउडस्पीकर विवाद ठीक नहीं है। धार्मिक घृणा में हालात अफगानिस्तान से भी खराब हो जाएंगे। सामना ने देखिए लगातार भारत के हालातों की तुलना अफगानिस्तान से की, और सामना में यह भी कहा गया कि देखिए जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है यह बहुत ज्यादा खराब है। हनुमान जयंती लाउडस्पीकर विवाद ठीक नहीं है। और चलिए दिल्ली से एक बड़ी खबर जान लीजिए। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हिंदू सेना के पोस्टर्स दिखाई दिए। हिंदू सेना ने कांग्रेस दफ्तर पर ये पोस्टर्स और बोर्ड्स लगाए हैं, हिंदुओं पर हमला बंद करो। हिंदू सेना की ओर से ये बोर्ड्स लगाए गए। आपको बता दें कि टारगेट पर हिंदू त्योहार, चुप है गांधी परिवार, ये बात कही गई है हिंदू सेना की तरफ से। और इसी के तहत ये पोस्टर्स हिंदू सेना ने, आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं, बोर्ड्स लगाए गए हैं, और सीधा सीधा कहा गया कि हिंदुओं पर हमला बंद करो, टारगेट पर हिंदू त्योहार, तो आखिर चुप है गांधी परिवार। तो देखिए किस तरह से हिंदू सेना की तरफ से यहां पर हमला बोला जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों हम लगातार देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उसी को लेकर हिंदू सेना ने ये तमाम पोस्टर्स लगाए हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर। और हमारे साथ अभिषेक कांग्रेस दफ्तर के बाहर से ही जुड़े हुए हैं। अभिषेक तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अब हिंदू सेना ने यहां पर बकायदा पोस्टर्स लगाए हैं और सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि यहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, फिर भी गांधी परिवार चुप है। बिल्कुल देखिए, मैं कांग्रेस दफ्तर अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं, लेकिन खबर ये मिल रही है कि हिंदू सेना के पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं। ये वही हिंदू सेना है जिसने जेएनयू के बाहर भी पोस्टर लगाया था और तमाम अलग अलग जगहों पर ये लगाता रहता है देश भर में। अब हिंदू सेना के वो पोस्टर्स हटा लिए गए होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऐसी किसी भी कार्रवाई को तुरंत हटाने की कोशिश करती है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द न भिड़े, जिससे सांप्रदायिक मामले में कोई हिंसा न भड़के। जो जिस तरीके से राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़ा गया उसको लेकर
तमाम जो हिंदू संगठन है वो नाराज हैं और कई बार बयान आए वहां के जो सांसद हैं वो भी नाराज हैं। उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है और कांग्रेस ने भी बैकफुट पर आकर ये कह दिया है कि जो मंदिर तोड़ा गया है वो मुझे नहीं पता क्यों तोड़ा गया है, किसकी गलती है, इसकी जांच होगी, लेकिन मंदिर वहीं बनेगा जहां मंदिर था। अब ऐसे में हिंदू सेना कांग्रेस पर लगातार तीखे वार कर रही है। वो ये कह रही है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो हिंदू विरोधी है, जो अलवर में दिखाई दी, राजस्थान में दिखाई दी, और इसी के लिए अब पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, अपना विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाकर, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो हिंदू विरोधी है, कांग्रेस मंदिर तोड़ रही है हिंदुओं की। बिल्कुल, तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अब हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी इस पूरे मामले को देखकर सामने आ रही है। बिल्कुल इस वक्त देखिए, मैं आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शिवसेना कांग्रेस सब आक्रामक हो रही है बीजेपी की तरफ, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि शरद पवार भी अब इस पूरी सीरीज में जुड़ गए हैं। शरद पवार का अमित शाह पर निशाना, दिल्ली में दंगा रोकने में नाकाम रहे हैं गृह मंत्री, ये शरद पवार की तरफ से कहा गया है। देखिए लगातार किस तरीके से अब हर राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां, वो लगातार बीजेपी पर आक्रामक होती दिख रही है, और अब शरद पवार भी इस फेहरिस्त में शामिल हो गए। उन्होंने कहा है कि देखिए दिल्ली में दंगा रोकने से नाकाम रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी से। आपको बता दें कि आज जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, कड़ी सुरक्षा के बीच आज शाम ये यात्रा निकलेगी। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच ये अमन यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में कुल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। यात्रा में 25 हिंदू और 25 मुस्लिम वर्ग के लोग शामिल होंगे, और ये शांति यात्रा एक तरीके से अमन चयन का संदेश देने के लिए ये कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा निकाली जा रही है, जहांगीरपुरी के उस इलाके में जहां पर दंगा हुआ था। और हमारी सहयोगी मीनाक्षी अलवर से इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी देखिए, अब जहांगीरपुरी में जहां पर दंगा हुआ था, हम देख रहे हैं कि अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है, और एमसीडी की कार्रवाई के बाद ये तनाव कहीं ना कहीं और बढ़ गया था, लेकिन आज अमन यात्रा निकाली जाएगी। खबर यह कि 50 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल प्रिया, देखिए 16 अप्रैल को जिस दिन वहां पर अतिक्रमण, आपको बता दूं जिस दिन हिंसा हुई हनुमान जयंती के दिन, 16 अप्रैल के दिन वहां पर हिंसा हुई थी, तस्वीर सामने आई थी वहां पर, आगजनी की तस्वीर, झड़प की तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद से वहां लगातार तनाव का माहौल बना हुआ था जिसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही थी। प्रशासन वहां पर मुस्तैद थी, सीआरपीएफ के जवान हो, आरएएफ के जवान हो, दिल्ली पुलिसकर्मी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे क्योंकि वहां के हालात संवेदनशील थे, सेंसिटिव थे। लेकिन अब क्योंकि 7 से 8 दिन बीत चुके हैं और वहां के हालात को नॉर्मल करने की कोशिश, क्योंकि जो लोग रहते हैं उनके बीच लगातार डर भय बना हुआ था, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उन्हें घरों से बाहर बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी देखिए, यहाँ पर तो मन यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन अलवर में इस वक्त क्या माहौल है ये बताइए। 25 मुस्लिम, बिल्कुल देखिए पूजा, अलवर के माहौल की अगर बात करें तो अलवर में कल की तुलना में आज माहौल काफी शांत है, और कल की अगर आप बात करेंगे तो कल यहां पर सियासत बहुत तेज रही, सियासी सैलानियों का गढ़ बना रहा था अलवर। कल यहां पर एक के बाद एक जो सियासी दिग्गज है पहुंचते रहे, फिर बात किरोड़ी लाल मीना की आप कर ले, या शाम को जिस तरह से कांग्रेस का डेलीगेशन भी पहुंचा, बीजेपी के बाद कांग्रेस का डेलीगेशन भी यहां पर पहुंचता है, भंवर जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंचते हैं पूरे कांग्रेस के नेताओं के साथ, और यहां पर लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि उन्हें जो स्थानीय लोग हैं अलवर के, राजगढ़ के, उनका उनके विरोध का ना करना पड़ा, उनकी ओर से नारे लगाए गए गो बैक के, लेकिन उसके बाद बातचीत करके उन्हें समझाया गया, और साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष है जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है, जो जवाबदेह है उस पर कार्रवाई की जाएगी, इसके साथ ही जो जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी जो बोर्ड के लोग हैं। तो एक बड़ी चीज यहां पर निकलकर सामने आई है, बीजेपी लगातार ये जरूर कह रही थी कि कांग्रेस की गलती के कारण ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिसकी अनदेखी के कारण ये सब हुआ है उस पर कार्रवाई होगी, और जिसके घर को तोड़ा गया, यानी कि अगर वो वैध जमीन पर नहीं है लेकिन इसके बावजूद उसे तोड़ दिया गया है, तो उसको उसका मुआवजा भी मिलेगा, और मंदिर वहीं बनाएंगे। ये भी कांग्रेस कल अपनी जगह से कह के गई है कि मंदिर जहां टूटा है मंदिर को वहां और वैसा ही भव्य बनाया है, और अलवर से लगातार रिपोर्ट कर रही है, बता रही है कि देखिए किस तरीके से वहां पर भी सियासी घमासान मचा हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, योगी राज के 30 दिन में यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन हुए, एक महीने के अंदर अवैध कब्जे पर चला है जमकर बाबा का बुलडोजर, माफियाओं गुंडों पर योगी आदित्यनाथ का प्रहार, भ्रष्टाचार पर लगाम और बदमाशों का काम तमाम, थाने में खुद सरेंडर करने आ रहे हैं बदमाश और गुंडे। देखिए 30 दिनों के अंदर लगातार जो 2.0
और जो सरकार है उसके 30 दिन पूरे हो चुके हैं और उसी बीच ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार और बदमाशों के खिलाफ लगातार किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर लगातार ये सरकार काम कर रही है। चार बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उन्नाव से, संबल से, रामपुर से, शाहजहांपुर से, और ये चारों तस्वीरें आप देखें किस तरीके से इन बदमाशों से लगातार इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी के साथ राम राम हिंदुस्तान में फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया शालिनी, मीनाक्षी और अभिषेक, स्टूडियो से सुमित और प्रिया। हम लगातार जो है पूरे दिन भर इसी तरह इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी।